नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना आजकल के यूथ्स के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। किसी का बहुत ज़्यादा बाल झड़ता है, किसी का कम झड़ता है, किसी का बहुत कम झड़ता है, लेकिन बाल झड़ना एक ऐसी समस्या है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के लोग इससे सफरर होते हैं। लेकिन दोस्तों, बालों का झड़ने के पीछे कारण क्या है, क्या आप कब ये जानते हैं? दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपके जेनेटिकल फैक्टर इसके पीछे रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब आपके यहाँ अनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी सिचुएशन हो, आपके फोर फादर फादर में बाल झड़ने की टेंडेंसी रही हो तो आप में भी ये चीज़ आ सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर भी आपके बालों के झड़ने का कारण हो सकता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, केमिकल अप्लाई करवा रहे हैं अपने बालों में, तो उससे भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं। जेल यूज़ कर रहे हैं, कलरिंग करा रहे हैं, ये तमाम केमिकल एक्सपोजर से बाल झड़ सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपका जो पानी है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं शैम्पू के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो, उसके वजह से बाल झड़ सकते हैं। कभी आप आपका वाटर इनटेक इनफेक्ट बहुत कम हो तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। साथ ही आपके विटामिन्स की भी अगर कमी है शरीर में तो भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं। कुछ अन्य कारण भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं दोस्तों बालों के झड़ने में। एक है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं तो भी आपके बाल झड़ना स्वाभाविक है, या आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती तो भी आपके बालों का झड़ना स्वाभाविक है। ये कुछ मेन ऐसे कारण हैं दोस्तों जिनके वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग मेरे जो आए दिन जो मेरे पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं कि मैडम, मैं जब अपने में भी वो कहीं सिटी चेंज किया है और जब वो अपने घर में थे उनके बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे, किसी दूसरे सिटी में गए तो उनके बाल झड़ने शुरू हो गए, या फिर अभी बच्चा घर पे था, बाल बिल्कुल ठीक था, हॉस्टल में गया, बाल झड़ने लग गए। तो इनके पीछे पानी रोल प्ले कर सकता है, न्यूट्रिशनल पार्ट रोल प्ले कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप में रोल प्ले करती हैं। और किसी में कोई भी कॉज नहीं था और वो घर पे था, पहले 20 साल के पहले तक बाल बहुत अच्छे थे, 20 साल के होने के बाद से बाल झड़ने शुरू हुए और अब 2-3 साल में बिल्कुल आपके बाल्डनेस से आने शुरू हो गई। यहाँ आपका जेनेटिकल इशू मेजर रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि आपके जीन में ये टेंडेंसी आई है। कुछ लोगों का दोस्तों ये भी इशू होता है कि वो बोलते हैं कि मैम, मेरे फादर के बाल तो 40-50 के बाद जाने शुरू हुए थे, हमारे 20 की उम्र में ही क्यों जाने शुरू हो गए? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि जब आपके पिताजी के, आपके फोर फादर के बाल झड़ने शुरू हुए थे, उस समय का जो इन्वायरमेंट था, उस समय का जो खान पान था, जो पानी था, जो स्ट्रेस लेवल था, आज से बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ था। उस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाना खाते थे, बहुत शुद्ध वातावरण में रहते थे, शुद्ध पानी पीते थे, शुद्ध पानी से बाल धोते थे, तो उनकी ये कंडीशन थोड़ी सी एक्सटेंड होके आई 40 के 45 के बाद आनी शुरू हुई। लेकिन आजकल के जो युवाओं का लिविंग स्टाइल है, जो यंग लोग रहते हैं, उनका जो फूडिंग स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है, वो इतना डिफरेंट है कि उनकी वो परेशानी जो उनको 45 की उम्र में ट्रिगर करनी चाहिए थी, वो अभी उनको 20 से ही शुरू हो गई है। इवन स्ट्रेस लेवल भी आजकल न्यू जनरेशन में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि आपके जो बाल झड़ रहे थे आपके पिताजी के कंपेरिजन में आपके पहले क्यों झड़ने शुरू हो गए। तो इन सारे कारणों को आप ध्यान में रखें। अगर आपका बाल झड़ना शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने कॉज को डिटेक्ट करिए कि किन कारणों की वजह से आपका बाल झड़ सकता है जो मैंने अभी बताए हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा कारण है? अगर है जो न्यूट्रिशनल है, पानी है, या डिहाइड्रेशन है, केमिकल एक्सपोजर है, जिनको आप खुद से सही कर सकते हैं तो पहले उनको सही करने की कोशिश करिए। अगर आपने उनको ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा। मैंने कम वर्ड यूज़ किया, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी इंसान के बालों का झड़ना कंप्लीटली बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, तो बालों का झड़ना भी एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आपके शरीर से जो पुराने हो गए हैं बाल वो झड़ेंगे और वापस उसकी जगह पर नए बाल उगने शुरू होंगे। लेकिन इतने अमाउंट में आपके बाल झड़े कि वापस जो एरिया है वो आपका बाल दिखने लगे, तो आप उसको हेयर फॉल में कंसिडर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने समझा कि आपके बालों के झड़ने के पीछे का कारण क्या होता है। आज मैं आपको दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो आपके ना सिर्फ हेयर फॉल को रोकेगा, एज ए टॉनिक भी काम करता है दोस्तों, कि आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, उसकी रूट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, और आपके बालों के अगर
टेंडेंसी भी है, लाइक आपके अगर जेनेटिक में है तो आप सिर्फ अपने बालों के जो इवन मेडिसिनल प्लान के थ्रू, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू रोक के रख सकते हैं कि आपका झड़ना झड़ना लिखा है, मीन्स जीन में है तो वो झड़ेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बचा के रख सकते हैं कि हाँ जिस उम्र में आपके पिताजी के बाल झड़ने शुरू हुए थे उस उम्र में झड़ना शुरू, ना कि 20 की उम्र में ही आपके बाल झड़ना शुरू हो जाए। तो ये दवा है दोस्तों वेस्बेडन, आपको 30 पोटेंसी में लेके आनी है, आपको 2 बूंद डायरेक्टली जबान पे सुबह दोपहर शाम पीनी है। जिनको एलोपेशिया की कंडीशन आपकी जो एरियाटा वाली है उसमें भी ये मदद करेगी, आपकी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब आपके लाइक बाल जो झड़ने का पैटर्न होता है उसमें भी मदद करेगी। साथ ही साथ आपके अगर हेयर रिलेटिवली थिन है मतलब पतले हैं और जो अन्य कारण जेनेटिकल फैक्टर नहीं है, आपके माँ बाप के बाल बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके बावजूद आपके बाल झड़ रहे हैं, और ये न्यूट्रिशनल पानी ये वाले सारे फैक्टर अगर रोल प्ले कर रहे हैं उसमें भी वेस्बेटिन बहुत अच्छी काम करती है। आप एज ए टॉनिक ले सकते हैं, और इवन बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं झड़ रहे हैं आपको लग रहा है कि आप उसको बचा के रखना चाहते हैं, हेल्दी रहें आपके बाल, उस सिचुएशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज ए मेडिसिन, एज ए प्रिवेंटिव, एज ए टॉनिक, इन तीनों ही कैटेगरी में आप वेस्बेडन को यूज कर सकते हैं और आराम से इस मेडिसिन को आप लंबे समय तक खा सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं डिक्लेयर करना है कि 1 महीने खा के बंद कर दीजिए, आप आराम से एज ए टॉनिक भी इस मेडिसिन को लंबा लें और ये धीरे धीरे आपके बालों की डेंसिटी इंप्रूव करता जाएगा। साथ ही जिनमें जेनेटिकली हेयर फॉल होने की टेंडेंसी है तो वो उनके बाल को रोक के रखेगा, आगे झड़ने नहीं देगा। एक चीज़ मैं और बहुत क्लियर करना चाहूँगी दोस्तों, वो ये चीज़ ऑफनली मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम जहाँ बाल झड़ गए हैं कि वहाँ आने की टेंडेंसी है या पॉसिबिलिटी है, सॉरी दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, और आप किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं तो ये अगर वो करके दे रहा है इट्स टोटली फेक। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि आपके बाल टकले हो गए हैं और वो उसको रीग्रो कर देंगे, मोस्टली ऐसा होता है कि वहाँ पे वो स्टेरॉयड लगाते हैं और थोड़े समय के लिए बाल झड़ जा बाल उगाता है और जैसे ही स्टेरॉयड की कंडीशन या क्वालिटी खत्म होती है वापस से बाल झड़ जाते हैं। दोस्तों जो भी आपकी स्किन आप टच करके देखें एकदम चिकनी, जैसे मेरा हाथ ऐसे स्मूथ फील हो रहा है, वैसा अगर आपको अपना स्कैल्प फील हो रहा है, आपका स्कैल्प पे आपको स्मूथनेस फील हो रही है, वहां पे बालों के ग्रो होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब आप 2 से 5% ही समझे कि वहां पे, और वो बहुत टाइम लेंगे अगर वहां ग्रो भी कर रहे हैं तो, कि बालों का उग सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्किन वहां पे पूरी तरह से बाल्ड हो गई है तो वहां के जो फॉलिकल होते हैं जिनमें आपके बाल ग्रो करते हैं वो पूरी तरह से डेड हो चुकी होती है, यानी कि मर चुकी होती है। अब मरी हुई फॉलिकल में आप बालों को नहीं ग्रो कर सकते, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उनमें फिर से वो अलाइव हो और वो फिर से उनमें बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो। तो अगर कोई आपको ऐसे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ आप बाल आपके बालों को पूरी तरह से वापस पुरानी तरह से कर देगा, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है और वो फेक है अगर आपसे कोई ऐसे आपसे वायदे करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दवा को आप लेना शुरू कर दें, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और जो चीज़ों को मैंने कॉज के लिए बताया है उनको ज़रूर सही रखें, अपने आप आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।